नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित अस्थाना। आज मैं आपको अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बारे में बता रहा हूँ। दिस वॉज द प्लेस वेयर द अल्मा आटा राइट डिक्लेरेशन, और ये प्लेस कजाकिस्तान में है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन कजाकिस्तान में हुआ था 6 से 12 सितंबर के बीच में 1978। जनरली ये प्राइमरी हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था, जो कि अल्मैटी, जिसको हम फॉर्मरली अल्मा आटा के नाम से जानते थे, उसी के नाम पर इस डिक्लेरेशन का नाम अल्मा आटा डिक्लेरेशन पड़ा। मेन गोल ऑफ दिस डिक्लेरेशन, हेल्थ फॉर ऑल। ये डिक्लेरेशन एक माइलस्टोन कंसीडर्ड करा गया इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। जनरली इस डिक्लेरेशन में ये नीड, एक जरूरत महसूस करी गई बाय ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल। मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं विश्व के, उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को हम प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट कर सकें। दिस वॉज द मेन गोल ऑफ अल्मा आटा डिक्लेरेशन। इनिशियली जो भी इसके प्रोसीजर्स थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई करे गए, क्योंकि वो उनको हेल्थ की ज़रूरत थी, उनके सिटीजन्स को। 5 साल के बाद डेवलप कंट्रीज़ में भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए ड्यूरिंग अल्मा आटा डिक्लेरेशन, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी लागू करे गए। दिस वॉज द ड्यूरिंग अल्मा अल्मेट आटा इन 1978। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन बाय ऑल गवर्नमेंट, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड बाय द ईयर 2000। अल्मा आटा डिक्लेरेशन में 9 सेक्शंस थे। फर्स्ट सेक्शन, उसमें हेल्थ को कंसीडर करा गया एज ए ह्यूमन राइट। एज वी नो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल दैट इज मानसिक स्वास्थ्य। हेल्थ की डेफिनेशन में मानसिक स्वास्थ्य बहुत बाद में ऐड किया गया। सेकंड सेक्शन हाइलाइटेड द इनइक्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, एंड टर्म्ड एज पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली अनअसेप्टेबल। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के हेल्थ स्टेटस में बहुत डिफरेंस था, इसलिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन में डिसाइड करा गया कि जो भी पॉलिसीज़ इसमें बनाई जाएंगी, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहले लागू करी जाएंगी और कुछ टाइम बाद वो डेवलप कंट्रीज़ में लागू करी जाएंगी। थर्ड सेक्शन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, दैट इज़ अटेनमेंट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। सभी के लिए स्वास्थ्य एक नेसेसरी एक्शन हो। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी थी, उनमें फंड दिए गए, काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए गए, और इस हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए उसमें WHO के अंतर्गत, यूनिसेफ के अंतर्गत, यूनेस्को के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। फोर्थ सेक्शन, अर्ज्ड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द होल वर्ल्ड कम्युनिटी टू टेक इट एज मेन सोशल टारगेट इन द स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस। फिफ्थ सेक्शन, अर्ज्ड कंट्रीज टू एड कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन देयर हेल्थ सिस्टम। सभी कंट्रीज से रिक्वेस्ट करी गई कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर को अपने हेल्थ सिस्टम प्रोसीजर्स में मुख्य स्थान दें। जितने भी विलेजेस हैं, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर्स एस्टेब्लिश करें। वहाँ पर आशा, ANM, मतलब जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको अपॉइंट करे जाएं, उनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दें,
मतलब जितने भी प्रोसीजर्स आप अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ को सुधारने के लिए सिटीजन्स की, वो आप करें। सिक्स सेक्शन में हेल्थ सिस्टम ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर। सेवन्थ सेक्शन में प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स की लिस्टिंग करी गई कि क्या क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं एक हेल्थ को सुधारने के लिए। एजुकेशन दे सकते हैं अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम। इफेक्टिव फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं हम सिटीजन्स को। मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग्स। एडिक्वेट एंड सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज ये सेवन सेक्शन में अप्लाई किया गया। एथ एंड नाइन्थ सेक्शन में ऑल गवर्नमेंट्स से कहा गया कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर को इनकॉर्पोरेट करें अपने हेल्थ सिस्टम में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें जिससे कि हम वर्ल्ड रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कर सकें। जनरली इस डिक्लेरेशन में प्राइमरी हेल्थ केयर के फाइव प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर करा गया। नंबर फर्स्ट, एसेसिबिलिटी। हेल्थ सिस्टम सभी लोगों के लिए एसेसिबल हो, इजीली अवेलेबल हो। इसके अलावा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंक्रीज करी गई। इंटर सेक्टोरल कोऑपरेशन इंक्रीज करा गया। थैंक यू।